में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसटेट 2018 के टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन और ये सेट सी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन एन इंडक्टर एल एंड अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 12 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट, द करंट डिफर बाय इन फेजेस पाई बाय 3 रेडियन। तो हमें बताना है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो एक सर्किट डायग्राम पहले बना लेते हैं। लेट ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर, और इसको हम अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई की वोल्टेज है 12 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमें बताना कि आर की वैल्यू कितनी होगी। ये गिवन है कि जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाय 3। देखो, अगर हमारे पास ये एलआर एक सर्किट है, इसमें अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो एक्सएल इधर होगा और आर इस तरफ। इसका जो नेट इम्पीडेंस आता है वो जेड होता है, और ये जो जेड आर से एंगल बनाएगा ये फाई होता है। अगर मैं टेन फाई की वैल्यू लिखूं तो टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्सएल अपॉन आर रहेगा। तो यहाँ से हम एक्सएल और आर के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लेंगे। पहले ये एंगल है टेन पाई बाय 3, तो टेन पाई बाय 3 यहाँ पर रखेंगे, इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर। टेन पाई बाय 3 का मतलब है 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू √3 आर के इक्वल होगी। अब अगर मैं ऐसे वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर, और नेट वोल्टेज इस तरफ होगी वी। तो जो नेट वोल्टेज है वी, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं होता कि वी नेट वी एल प्लस वी आर के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अब वी इक्वल टू किसका होगा, 12, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यू करते हैं 12। फिर वी आर का मतलब हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आर। ऐसे जो वी एल होगा उसको हम लिख सकते हैं एक्सएल इंटू में आर, एक्सएल इंटू में करंट आई, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए दोनों में आई रहेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस आर इज आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल को हम लिखेंगे आई इंटू में एक्सएल का स्क्वायर। तो 12, देखो आई का स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। 12 आई को रूट से बाहर निकाला तो सिर्फ आई बचेगा, आर स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो 12 विल बी इक्वल टू आई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को हम लिख सकते हैं √3 आर, क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सएल से हमें कोई मतलब नहीं है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। सो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 आर का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट ओनली 3। सो वी कैन राइट 12 अपॉन में आई इक्वल टू 4 आर स्क्वायर या फिर 2 आर अंडर रूट के बाद। अब देखो इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 अपॉन में आई इक्वल किसके होगा, आर के, या फिर 6 अपॉन में करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5। सो वी कैन राइट इट एज 60 अपॉन में 5 या फिर 12। तो रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय फ्रिक्शन। देखो, वुडन क्लॉथ, इन्फ्लेटेड बैलून और प्लास्टिक, इसके लिए सब किस तरह के हैं, एक तरह के इंसुलेटर, जबकि कॉपर कंडक्टर है। तो वैसे भी आप देखो इन सब की सेम प्रॉपर्टी होगी, इसके डिफरेंट ही, कंडक्टर है तो इसमें से करंट इजिली फ्लो कर पाएगा। अब फ्रिक्शन से इसमें हम चार्ज को इजिली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108, अ प्रिंटेड पेज इज कैप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और जिसके एजेस हैं 6 सेंटीमीटर, यानी कि लेट उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्यूब है हमारे पास कुछ इस तरह।
और इसकी जो साइड है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर. वट अमाउंट विल बी प्रिंटेड लेटर अपीयर्स टू बी शिफ्टेड वेन व्यूड फ्रॉम द टॉप. तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो देखो एक्चुअल में जो लेटर है वो इतनी डेप्थ नीचे है, मतलब हम इसके टॉप से देख रहे हैं. आप इसको माने कि क्यूब के जस्ट ऊपर ही आई, तो ये जो लेटर होगा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, होगा तो यहीं पर लेकिन हमें दिखेगा थोड़ा सा ऊपर. अब कितना ऊपर ये शिफ्ट होगा वो हमें पता करना है. तो एक फॉर्मूला होता है अपेरेंट डेप्थ का, अपेरेंट डेप्थ इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि RI. हम देखो अपेरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ क्या है. तो हमारी आई यहाँ पर है, तो रियल जो डेप्थ होगी वो होगी जो मैंने ब्लैक लेटर से लिखा, ये होगी रियल डेप्थ. अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, जो मैंने रेड लेटर से लिखा हुआ है और आई के बीच के जो सेपरेशन है वो होगा अपेरेंट डेप्थ, यानी कि ये होगा अपेरेंट डेप्थ. तो पहले हम अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं. और ये जो यहाँ से ये एस्टेट्स ब्लैक वाले से लेकर के रेड वाले के बीच का जो सेपरेशन है ये हो जाएगी इसकी शिफ्टिंग, कि शिफ्टिंग क्या हुई है वो हम उसके डिफरेंस से निकाल लेंगे, मतलब कि रियल डेप्थ में से हम बाद में माइनस कर देंगे अपेरेंट डेप्थ को. तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मतलब शिफ्टिंग. तो पहले निकाल लेते हैं अपेरेंट डेप्थ. सो अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी होगी, जितनी इसकी क्यूब की साइड है यानी कि 6 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. तो शिफ्टिंग जो होगी वो कैसे निकलेगी, रियल डेप्थ में से हम माइनस कर देंगे अपेरेंट डेप्थ को. रियल डेप्थ कितनी है 6 माइनस अपेरेंट डेप्थ 4 हमने निकाली है, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 101, हमें इसमें एक तरफ एलॉय दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है कि वो एलॉय किससे मिलके बनते हैं. पहला ऑप्शन है ब्रास, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, ठीक है. इसके अलावा जो ब्रोंज होता है वो कॉपर और एसन से है. अब मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तब कैसे करेंगे. देखो इस शब्द को पकड़ो, मैंगेलियम, यहाँ पर मैग का मतलब होगा मैगनीज, लियम का मतलब हो गया एल्यूमिनियम. तो उस ऑप्शन पे जाओ जहाँ पर एल्यूमिनियम और मैग्नीज हो, तो डी का क्या हो जाएगा 3, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज, डी का क्या होगा 3. तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, कुछ तो हमारे पास कम हुआ. अब ब्रास बहुत कॉमन है, काफ़ी जूनियर क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, कॉपर और जिंक होता है ब्रास का. इसका मतलब ए का होगा 4th. जैसे ए का 4th होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ब्रॉन्ज में होगा कॉपर एंड जिंक, सॉरी ब्रास में होगा कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में होगा कॉपर और एसन. क्वेश्चन नंबर 114, विच पावर प्लांट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो देखो जो डैम होते हैं हाइड्रो पावर डैम, उसमें पानी को बहुत ज़्यादा हाइट पर स्टोर करके उसको छोड़ा जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब वो नीचे आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और वो टर्बाइन को मूव करवा देते हैं. तो विच पावर प्लांट यूज द ग्रेविटी, तो यहाँ पर आएगा आंसर हाइड्रो पावर प्लांट. क्वेश्चन नंबर 115, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द फिल्म इज 1.25. द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फिल्म विच इज स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर विल बी. देखो एक कंडीशन होती है, फॉर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन द लीस्ट ऑप्टिकल डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय फिल्म शुड बी लैम्डा बाय 2. तो एक इंटरफ्रेंस का क्वेश्चन है, थिन फिल्म का जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन होगी वो होगी 2 μ (thickness)λ/2. हमें क्या निकालना है, थिकनेस निकालनी, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.25 है और वेवलेंथ पता है 589 है. 589 × 10⁻¹⁹ आप इसको लिख सकते हैं. तो जो थिकनेस आएगी वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 × 2 = 4 / μ. एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू लैम्डा इज 589 × 10⁻¹⁹, ये आ जाएगा मीटर, नैनोमीटर तो भी मीटर में है, अपॉन में 4 1.25. इसको सोल्व करने पे जो थिकनेस आएगी वो आएगी 1.196 × 10⁻¹⁷.
जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 118 नैनोमीटर के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 117। अ थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्रोड्यूस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री व्हेन रे इज इंसिडेंट एट ए स्मॉल एंगल। तो लेट हमारे पास कोई थिन प्रिज्म है और हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसका गिवन है? प्रिज्म का। और जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं वो एयर के रेस्पेक्ट में गिवन होते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, तो हमेशा हम एयर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। डेविएशन यानी कि डेल्टा, जिससे हम कहते हैं 4 डिग्री गिवन है और एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमें पता है थिन प्रिज्म के लिए, फॉर थिन प्रिज्म जो फॉर्मूला होता है डेविएशन का, वो होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। इसके अलावा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेविएशन मिनिमम हो रहा हो। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि डेविएशन मिनिमम है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए ही होता है। इसमें स्मॉल एंगल, जब एंगल ऑफ प्रिज्म काफी स्मॉल होगा तो वो थिन प्रिज्म होगा। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पर दो केस हैं, केस वन लिखूंगा अगर, तो पहले केस में डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में, डेल्टा गिवन है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से हम एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड कर सकते हैं। अब केस टू लिख लेते हैं। केस टू मतलब इसमें बोला गया है व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ द सेम इंसिडेंट रे बाय द प्रिज्म इफ इट इज इमर्स इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब इस प्रिज्म को पानी में इमर्स कर दिया गया है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब प्रिज्म का होगा वो हम पहले एयर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे, लेकिन अब मेजर करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। नाउ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा है अब न्यू डेविएशन डेल्टा डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम प्रिज्म का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म ए। देखो पहले यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म हम निकाल सकते हैं, तो 4 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 इंटू में ए, या फिर ए इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 0.5, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40 अपॉन में 5। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमें पता चल गया वो कितना है 8 डिग्री। अब डेल्टा डेज कितना आ जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, देखो मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो एयर के रिस्पेक्ट में ही होता है तो उसको ए लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो कि हमें गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 माइनस 1 इंटू में 8। तो देखो ये 3 जाएगा यहाँ पर, तो फर्दर कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू 3 इंटू में 1.5 अपॉन में 4 माइनस 1 इंटू में 8। इसी को आप लिख सकते हैं 4.5 अपॉन में 4 माइनस 1 इंटू में। तो 4.5 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 1.125, या फिर 0.25 माइनस करने के बाद और उसकी 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 119। टू हीटर्स आर मार्क 200 वोल्ट एंड 300 वाट एंड 200 वोल्ट एंड 600 वाट। इफ द हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा इजीली समझाने के लिए मैं इनका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है बट इट विल हेल्प।
हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, पावर इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर अपॉन में आर और वी स्क्वायर आर। तो इसमें से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सॉरी ये आई स्क्वायर आर रहेगा और ये रहेगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पावर के लिए वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब यहाँ पर अगर ये मान लो ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड, तो जो फर्स्ट कोयल का रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पी, वोल्टेज कितनी है 200, स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी है इसकी 300। तो इसको सॉल्व करके हमें आर वन की वैल्यू मिलेगी 400 अपॉन में 3। ऐसे ही हम जो आर टू है वो फाइंड कर सकते हैं, तो आर टू इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पावर सेकेंड वाले की पी टू। सो आर टू विल बी इक्वल टू वी कितना है 200, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में पावर कितनी 600। तो आर टू की वैल्यू आएगी 200 अपॉन में 3। अब इन दोनों को सीरीज में लगाया जा रहा है, तो लेटिए आर वन जो कि 400 अपॉन 3 और ये आर टू जिसकी वैल्यू है 200 अपॉन में 3, इनको कनेक्ट कर रहे हैं 200 वोल्ट की सप्लाई से, 200 वोल्ट। तो बताना है कि कौन से इनमें से सही है। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इनमें एक चीज कॉमन होगी करंट, जो बैटरी से करंट निकलेगा वो आर वन में भी सेम होगा, वो आर टू में भी सेम होगा। हमें हीट के बारे में बात करनी है कि हीट किसकी ज्यादा होगी या कम होगी। तो हीट का फॉर्मूला पावर में ही अगर हम टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पावर इक्वल टू होता है हीट अपॉन में टाइम, तो हीट इक्वल टू कितना हो जाए पावर इंटू में टाइम। तो टाइम तो ऐसे एज इट इज गिवन नहीं है, तो जिसकी ज्यादा पावर होगी उसकी उतनी ही ज्यादा हीट भी होगी। तो मैं पावर से हीट को एक्सप्लेन कर दूंगा, मोर द पावर मोर विल बी द हीट। अब आई सेम है, तो देखो पावर का फॉर्मूला वो यूज करेंगे जिसमें आई और आर आता हो, तो वो है आई स्क्वायर आर। पहला ऑप्शन है बोथ हीटर विल प्रोड्यूस सेम हीट। देखो क्योंकि आई दोनों में सेम है तो जो पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर, तो मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द पावर। तो दोनों में सेम तो नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ पावर किस में ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी उस वाले रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस आर वन है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 400 अपॉन में 3। इसका मतलब 300 वोट वाला रेजिस्टेंस, 300 वोट वाला हीटर होगा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, और जब उसका हाई रेजिस्टेंस है तो जो हीट होगी वो भी मोर होगी, हीट विल बी मोर। तो हम कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन 600 वोट इज मोर, नो, हीट प्रोड्यूस इन 300 वोट इज मोर, बिल्कुल सही यही होगा ऑप्शन 3, क्योंकि जो 300 वोट वाला हीटर था उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया है। जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट पावर और जो हीट होगी वो ज्यादा ही होगी 300 वोल्ट वाले में। तो ये जो हम फॉर्मूले लेते हैं ना कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है, कंडीशन के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालना था तो मैंने वो फॉर्मूला यूज करा जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आता हो, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर वाला। फिर मुझे यहाँ पर देखना था कि पावर किसकी ज्यादा होगी क्योंकि करंट तो सेम है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज करा आई स्क्वायर आर वाला। क्वेश्चन नंबर 120, द टाइम पीरियड बिटवीन अ फुल मून टू नेक्स्ट मून कितना होता है। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून और अ न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून इज, इसको कहते हैं ल्यूनर मंथ, और ये इक्वल होता है 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट और 2.8 सेकंड। तो हम कह सकते हैं ये स्लाइटली लॉन्गर होगा 29 डेज से, क्योंकि यहाँ पर 29 डेज तो आ रहा है प्लस 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड, सो ऑप्शन 4 विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 121, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग अ करंट आई इज बी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल लेट ये है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें बी दिए हुए हैं, इसका रेडियस कितना आर और करंट फ्लो कर रहा है आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर सर्कुलर कोयल वो होता है म्यू नोट
आई अपॉन में टू इंटू में उसका रेडियस आर। अब पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री आर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। तो मान लो यही कॉइल है, इसके एक्सिस मतलब सेंटर से लेकर के लेट पी पॉइंट कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमें गिवन है एक्स इक्वल टू रूट थ्री आर, लेट इज सेंटर है ओ, तो ओ पी हमें गिवन है रूट थ्री आर। हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर सर्कुलर रिंग वो होता है म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में टू रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू। तो बी, मैं इसको बी डैस बोल लेता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू रूट थ्री है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री इंटू में आर। तो थ्री ये स्मॉल आर ही ले लेते हैं, इसको थ्री आर है, आर इज द रेडियस, सो रूट थ्री आर की जगह पर अब आ जाएगा थ्री आर का स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन में टू, या फिर म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं फोर आर का स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन में टू, या फिर म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू फोर की पावर थ्री अपॉन में टू और आर की पावर थ्री अपॉन आर का स्क्वायर है और पावर थ्री अपॉन में टू। तो टू से तो टू कैंसिल हो जाए तो नीचे आएगा आर की क्यूब, सो म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू में। देखो टू ये जैसे फोर की पावर थ्री अपॉन टू है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल होगा तो टू की पावर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, तो टू की पावर थ्री कितना होता है एट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर की पावर थ्री अपॉन टू मतलब एट इंटू में आर की क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो यहाँ पर आर बचेगा ओनली, सो बी डैस विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में वन अपॉन एट को मैं अलग लिख रहा हूँ, ये टू इंटू आर। ठीक है, अब म्यू नोट आई अपॉन टू आर किसके बराबर है, जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे थी, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन में एट इंटू में बी जो सेंटर पर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर वो 1/8 हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी जो सेंटर पर थी उसके रिस्पेक्ट में, सो आंसर विल बी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 122, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं कोई बैलून है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वह 5 मीटर पर सेकंड, और जो स्टोन है वो नीचे की तरफ जाएगा, मैं ऊपर के मोशन को मानूंगी पॉजिटिव, नीचे ये मेरा लेट सेट ऑफ ओरिजिन है तो ये वाला मोशन हम लेंगे नेगेटिव। तो स्टोन की स्टोन नीचे आ रहा है और लेट यहाँ पर है ग्राउंड। इफ द बैलून वाज 50 मीटर हाई देन व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी, यानी कि जब यहाँ से पत्थर नीचे आ रहा है तब जो हाइट है बैलून की वो 50 मीटर गिवन है, लेट इसको मैं H1 ले लेता हूँ। अब जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा तो ये बैलून जाएगा ऊपर क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा था, तो लेट जब छोड़ा गया है वहां से ये H2 ऊपर चले गया है, हमें बताना है फाइनली हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, और वो कितना होगा, वो होगा H1 प्लस H2 के, हमें H1 तो पता है 50 है और हम H2 फाइंड करेंगे कितना होगा, उसी को 50 में ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो ये जो स्टोन है इसमें हो रहा होगा फ्री फॉल मतलब कांस्टेंट एक्सेलेशन होगा, तो इसके जो भी मोशन होगा हम उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर लेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस एटी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलेशन कांस्टेंट है जो कि स्टोन के केस में रहेगा, लेकिन जो बैलून है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज मूव करती है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि यहाँ पर जो H2 होगा H2 को हम लिख सकते हैं
जब भी हम फाइंड करेंगे एस टू इक्वल टू हो जाएगा, एस टू एक तरह का डिस्टेंस है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड कौन सी, जो बैलून की है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इंटू में टाइम, वो टाइम हम लेंगे जो टाइम इस पत्थर को नीचे आने में लगा है, क्योंकि वही बोला भी गया है, इफ द बैलून वाज 50 मीटर हाई देन द स्टोन वाज ड्रॉप द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड विल बी, यानी कि जितना समय में बैलून 50 मीटर हाइट से नीचे ग्राउंड पर आ जाएगा उतने समय में ये एस टू हाइट कवर कर रहे हैं, तो हम वही टाइम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टी, ताकि एस टू हम फाइंड कर सकें। तो देखो सीक्वेंस समझ लेते हैं, हमें मेनली निकालना हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, उसके लिए मुझे चाहिए होगा एस टू, लेकिन एस टू फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा वो टाइम जिस टाइम में पत्थर ग्राउंड पर आ गया है। देखो हमें फाइंड करना है टाइम, और हमें पता है कि जो स्टोन है उसकी जो डिस्टेंस उसको कवर करना है वो 50 मीटर कवर करना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा, एस की जगह पर हाइट हो जाएगा यू इनिशियल स्पीड टी टाइम प्लस हाफ एक्सेलेशन की जगह पे जी इंटू में टी का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिन इसको सेट किया है तो एच की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिखूंगा -K50। इनिशियली बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्टोन की स्पीड वही होगी जो बैलून की होगी, यानी कि प्लस के 5 इंटू में टाइम टी, और यहाँ पर जो जी होगा वो डाउनवर्ड मोशन में, तो यहाँ पर लेंगे -1/2, तो आ जाएगा -K50 = 5 t -5 t² और इसको 50 को इधर लाएंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और 5 से भी डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन मिलेगी t² फिर -t -10 = 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट इस तरह की x² + bx + c = 0, तो x = होता है -b + √b² - 4ac/2 है, तो ऐसे हम टाइम के लिए सॉल्व करेंगे इसको, -b = -1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 जो कि हो जाएगा +1, -(+)-√b² = -1² 1 ही रहेगा, फिर -4 × a की वैल्यू t के आगे कितना है 1, तो 1 × c की वैल्यू -10/2 × a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 10 है यहाँ पर। अब इसमें जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस वाली लेंगे, तो t = इसको सॉल्व करने के बाद मैं लिख रहा हूँ जो टाइम आएगा वो आएगा 3.7 सेकेंड, माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, माइनस साइन वाला नहीं लेंगे, तो टाइम की वैल्यू में पता चल गया 3.7 सेकेंड है। अब यहाँ पर लिख दें 5 × टाइम कितना 3.7 सेकेंड, मतलब जितने टाइम में स्टोन ग्राउंड पर आया है वो टाइम है 3.7 सेकेंड, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18.5 मीटर, तो मैंने कहा था हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड निकाल ले तो एस टू ऐड कर देंगे, तो 50 में हम ऐड कर रहे हैं अब 18.5, तो 18.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 68.5 मीटर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 127, द मून वुड डिपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फॉर एवर इफ द स्पीड इंक्रीज नियरली बाय, इसमें पहले मैं दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेट ये अर्थ है और मून उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और अगर इसको इसकी ऑर्बिट से बाहर निकलना है तो कितनी स्पीड हमें इसको देनी पड़ेगी, एस्केप स्पीड, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी एस्केप स्पीड इसकी ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा वो हमें फाइंड करना है, तो ये इसकी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, तो जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हमने वी नॉट मानी है, और जो एस्केप स्पीड है वो इसको हम लिखते हैं वीई, और इन दोनों में रिलेशन होता है, रिलेशन होता है वी एस्केप इक्वल टू होता है √2 × में ऑर्बिटल स्पीड, समझा देता हूँ कैसे। जो एस्केप स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है, देखो इसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है √2 gm/r, और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूले में √2 की जगह पर सिर्फ gm/r आता है, तो वी एस्केप कितना हो जाएगा √2 times of v0, तो वी एस्केप में से माइनस कर रहे हैं v0/v0, को हम लिख सकते हैं √2 v0 - v0/v0, या फिर ये आ जाएगा √2 - 1
वी नोट कॉमन लोगे तो वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना तो 100 की मल्टीप्लाई भी करनी होगी, इनटू 100 कर लेते हैं यहाँ पर। अब रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 इनटू में 100, ये आएगा 0.414 माइनस करने के बाद इनटू में 100, और ये आएगा 41.4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो नियरली होगा 42% के, इसको अगर हम अप्रोक्स लें तो आंसर आएगा इसमें ऑप्शन थ्री। और इसको आप डायरेक्टली भी याद रखना क्योंकि बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 42% देन द मून विल डिपार्ट इन स्पेस, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके स्पेस में मूव करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, द एक्चुअल वेट ऑफ अ पर्सन इज एम जी वेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। तो हमें बताना है अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपरेंट वेट कितना होगा। देखो इससे पहले जो स्टेट का टीजीटी एग्जाम है उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो जो अपरेंट वेट होता है पर्सन का वो होता है एम जी प्लस ए, और अगर वो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है ये तो हो गया अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड में जो अपरेंट वेट होगा मैं इसको डब्ल्यू ए लिख लेता हूँ शॉर्ट में, अपरेंट वेट वो एम जी माइनस ए हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन जीरो है लिफ्ट का, यानी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में ए तो जीरो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में यही केस है कि मूविंग यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा यहाँ पर, तो जो अपरेंट वेट होगा वो एम जी के इक्वल ही रहेगा, यानी कि जो उसका एक्चुअल वेट है उसी के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एम जी ऑप्शन टू। तो इस वर्ड को तो पढ़ना ही पढ़ना कि अपवर्ड मोशन हो रहा है डाउनवर्ड मोशन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना कि मूविंग यूनिफॉर्मली है या एक्सेलरेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है कि किस मीडियम में स्पीड मैक्सिमम होगी। तो एक टेबल है हमारे पास, जैसे सोलिड एल्यूमिनियम यहाँ पर पीक पर है जिसकी होती है 6420, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे कम हो रही है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर यानी कि एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 135 में अल्फा बीटा गामा कोफिशेंट है लीनियर एरिया वॉल्यूम और सॉलिड क्यूब के, तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये वन डायमेंशन में होता है, इसके नीचे वन लगा दो। एरिया टू डायमेंशन होता है उसके नीचे टू, और जो वॉल्यूम होती है थ्री डायमेंशन होती है उसके नीचे थ्री लगा दो। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन टू आ गया इक्वल टू गामा अपॉन थ्री, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो सिक्स है, तो हमें मिलेगा सिक्स अल्फा इक्वल टू यहाँ पर सिक्स अपॉन टू मतलब थ्री बीटा, और सिक्स अपॉन थ्री मतलब टू गामा। तो ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा में, यानी कि ऑप्शन वन करेक्ट रहेगा, सिक्स अल्फा इक्वल टू थ्री बीटा इक्वल टू गामा टू। क्वेश्चन नंबर 138 है, पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड गिवन है 25 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड गिवन है 3 सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन टू पॉइंट, लेट ये ए है और ये बी है, जो कि ईच 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो कितना समय लगेगा वो फाइंड करना है। देखो एक फॉर्मूला होता है पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है 12.5 है, एम्पलीट्यूड पता है 25 है, साइन ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड कितना है 3 इंटू में टी, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5 अपॉन में 25 साइन 2 पाई टी अपॉन में 3। अब 12.5 ये इसका डबल होता है तो 1.2 आ जाएगा, ये इक्वल टू साइन 2 पाई टी अपॉन में 3, 1.2 इसका मतलब हो गया साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 2 पाई टी अपॉन में 3। तो यहाँ से सॉल्व करने पर साइन से साइन कैंसिल होगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 4 या फिर 0.25 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि जो पेंडुलम है वो मेन पोजीशन से यहाँ तक जाने में उसको समय लग रहा है 0.25 सेकंड। पूछा था कि द टाइम टेकन टू मूव बिटवीन आइदर साइड, मतलब इन दोनों के बीच में कितना उसको समय लगेगा,
तो जो टोटल टाइम होगा क्वेश्चन नंबर 140, तीन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3 ओम, जिनको कनेक्ट किया जा रहा है ट्रायंगल की फॉर्म में, तो बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया ट्रायंगल, तो इनके एंड के बीच लेट ये मैंने एंड ले लिया। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में रिपीट होता है और हर एक की वैल्यू 3 3 3 ओम है। तो देखो ये सी देखने से पता चल रहा है कि ये और ये दोनों सीरीज में रहेंगे। सीरीज में मतलब अगर मान लो यहाँ से करंट आया तो करंट दोनों में सेम रहता है, तो दोनों सीरीज में हो गए, तो 3 और 3 का सीरीज कितना होगा। सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2, जितने भी सबको ऐड कर लेते हैं, जबकि पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1 upon R1 + 1 upon R2। तो ऊपर के दोनों सीरीज में, इसका मतलब ऊपर के दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। फिर नीचे वाला उसके साथ रहेगा पैरेलल में, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 3। तो अगर दो ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो वो R1 × R2 / R1 + R2 के इक्वल हो जाता है, यानी 6 × 3 / 6 + 3, 18 / 9, तो आ जाएगा 2 ओम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 142 भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन है, पूछा है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है। देखो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो वापस क्यों आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर हो जाती है 0, यानी कि स्पीड उसकी मिनिमम हो जाती है। कब? एक्सट्रीम पॉइंट पर। और यहाँ पर रहती है मैक्सिमम, मेन पॉइंट पर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम जो एक्सेलरेशन होता है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इसको -ω² x लिख लेते हैं। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर x मैक्सिमम होता है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम। हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट की तो बात हुई है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी तो मिनिमम रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ कहाँ पर है, बोथ बोथ तो नहीं होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है इसमें, वेलोसिटी मिनिमम है ऑप्शन 4 में, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो यही आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 145, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, मतलब एक फॉर्मूला है पूरा, अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो मैंने उसको अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। इस तरह से एक चेन लटकी हुई है, और लेट चेन की जो टोटल लेंथ है वो है एल, मास है इसका एम, और इसमें बोला गया है जो लटका हुआ पार्ट है वो मैं उसको एक्स मान रहा हूँ, अगर तो L/3 गिवन है, 1/3 पोर्शन उसका हैंग हो रहा है, तो हमें बताना है कि वर्कडन कितना होगा उसको पुल करने में, ऊपर अगर पुल करना है तो। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है वर्कडन का, हाफ एम जी एक्स अपॉन में एल का स्क्वायर। एक्स क्या है, जो हैंगिंग पार्ट है, हैंगिंग लेंथ है, और एल टोटल लेंथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, 1/2 एम जी, एक्स कितना है, L/3 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 × mg, 3 3 जा मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 2 18, तो 1/18, एक मिनट, यहाँ पर ये एल ये स्क्वायर होगा, खाली x के x पर स्क्वायर होगा, l यहाँ पर एसिटी से, हाफ एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन में l, तो l से l कैंसिल होकर l बचेगा ऊपर, तो आ जाएगा 1/18 एम जी इंटू में l, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 147, द हाइट ऑफ नाइजीरिया फॉल्स इज 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट से पानी गिरता है, अगर j की वैल्यू जो वाटर इक्विवेलेंट होता है 4.2 j पर कैलोरी गिवन है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर मैंने मान लिया कि लेट यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो हमें बताना है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके एंड के बीच में, ऑफ द टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल। तो देखो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, और नीचे आते आते वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी,
और ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ हीट भी जनरेट हो जाती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, एम जी एच, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो हम उसको इसी के इक्वल लिख रहे हैं एम सी डेल्टा टी। एम से एम कैंसिल होगा तो हमें तो डेल्टा टी निकालना है जो कि जी एच अपॉन सी के इक्वल होगा। तो जी की वैल्यू 9.8 इंटू में हाइट कितनी है 50 अपॉन, जैसे ही हम उसकी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिखेंगे 4200 जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन और फोर्स की वैल्यू में गिवन है, मतलब इक्वेशन गिवन है, द फोर्स ऑन द बुलेट इज रिड्यूस टू जीरो एज सून एज इट लिफ्ट द बैरल, तो हमें बताना है कि इम्पल्स कितना होगा बुलेट का। तो जब फोर्स जीरो होगी पहले वो टाइम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल टू कितना, 600 माइनस 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में टाइम टी। तो फोर्स जीरो होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू में टाइम टी। तो 600 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू टाइम टी, इसको हम लिख सकते हैं 300, या फिर ये आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। अब देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी या डी टी, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स की इक्वेशन पता है हमें, तो इंटीग्रेट करते हैं 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टाइम टी, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 600 dt करेंगे, मतलब दो पार्ट है इसमें, एक तो 600 dt माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 को बाहर निकाल लेते हैं, ये बचेगा t dt, तो 600 तो बाहर, dt का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर 5, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इंपल्स आ गया 600 t माइनस 10 की पावर t का स्क्वायर। अब टाइम की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, हमने निकाली है कब, जब फोर्स जीरो हो गई है, तो जो इम्पल्स होगा 600 टाइम की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 10 की पावर 5 इंटू में टी का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2।